दोस्तों फैसलाबाद की मेरी सीरीज बिल्कुल चल रही है और वो चलती रहेगी, सिर्फ आप लोगों के 30 सेकंड्स मुझे चाहिए। दोस्तों 800 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, किसी वक्त एक वक्त ऐसा भी था कि एक सब्सक्राइबर था। यार आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बंदा तो आपकी बात लाजमी कोई ना कोई मानता होगा यार। अगर 800 लोग आप लोग प्लीज़ सिर्फ एक एक बंदे को भी आगे भेज दें तो मेरे यार 1600 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो वीडियो तो आप फैसलाबाद की भी चलती रहेगी, आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी, इंशाल्लाह जल्दी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। यार प्लीज़ अभी आगे नहीं जाना आप लोगों ने, और एक एक बंदे को आगे सेंड करें और लाजमी सब्सक्राइब करवाएं यार, प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू। वीडियो देखते हैं। इकबाल स्टेडियम में हम दाखिल हो चुके हैं और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए मार्केट्स बंद हो चुकी हुई हैं, तो इसलिए रात का टाइम है। हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग डेरेदारी करते हैं। जब भी मैं फैसलाबाद में आता हूँ तो मैं और अखलाक वहीं पर बैठते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहीं पे हमने बाइक लगानी होती है और इस बाग में आके हम लोग बैठ जाते हैं, सारी सारी रात हम लोग बैठ के बातें करते हैं। जी दोस्तों ये वो वाहिद जगह है जहाँ 5 साल बाद मैं आऊँ फैसलाबाद, 10 साल बाद आऊँ, जितनी देर बाद मर्जी आऊँ, लेकिन ये हमारे डेरा है मेरा और अखलाक का, और सारी सारी रात यहाँ बैठ के बातें करना। आपको पता नहीं इकबाल स्टेडियम के आसपास गोलगप्पे, दही भल्ले, खाने सारी रात चलते हैं, तो अभी सारी रात जो है ना हम लोगों ने कुछ मंगवाते रहना। और एक सबसे मेन चीज़ जो है ना, सबसे मेन चीज़ वो ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे आके दबवाते थे, ये जो मालशी नहीं होते ये हमेशा किया करते थे, और आज मैंने इसको कहा कि नहीं यार अभी हम जवान हैं, अभी दबवाने की जरूरत, तो तेरा तो मैंने कोई पता नहीं। नहीं मैं बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े हो गए क्यों सर, वजह बताए। बस हो गए बूढ़े, हाय दुख भरी दास्तान ना सुनाए अपनी, ठीक है ना, अभी आप बूढ़े नहीं हुए। और अच्छा दोस्तों मैं आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ, इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। ये पा और अदा वलीमा थी, पंजाबी सुनाना, पा और अदा वलीमा सी, तो पा और ने की किया कि इन्हों मैं लैन गया वलीमे तो बाद घर चले गए उधर, इन्होंने मैं लैन गया तो इन्होंने मैं क्या मच्छी खुआ, तो कौन सी मच्छी थी, बड़ी मशहूर मच्छी है यहाँ की जलंधर, वहाँ से इसने मुझे फिश खिलाई और भाजी फिश खुवाई, तो इन्हें मैंने मना किया कि फेसबुक से स्टेटस ना लाई, मेरे सारे दोस्त जोड़े ने ना मैंने पै जाते। ये मैं तुम्हें गल सुना रहा जे तकरीबन कोई 7-8 साल पुराने, तो भाजी की होया कि मैं पहले हाथ ही फेसबुक से स्टेटस ला दिता। भाई जी किन्ने दी उदो फटीक पई सी 8 साल पहले, 3660 रुपये नहीं भूलता, क्योंकि बड़ी लड़ाई हुई सी उदो साडी, इन्हें मैंने बड़िया गालां कड़िया सी भाजी, बड़िया गालां कड़िया, 3660 रुपये पे सी भाई, भाजी अज भी याद रखे बैठे ने, बाद च गल कर लिया। दोस्तों ये अपने काम ते सी आ गए वापस, ए लाश वेख रहे हो तुसी, भाई होरी जिहड़े ने ना वो मालिश कर रहे ने अखलाक साहब की, तो बड़ा मुश्किल हो रहा लत पड़ना। भाजी मालिश करते की फील हो रहा है, बस 500 रुपए लेने हैं। हेलो मैं पैसे की गल ही की थी भाजी, पैसे की गल कर ली भाई ना, भाजी पैसे थोड़े करो यार, कोई गल नहीं 200-300 लेना है। हाँ मतलब तुम मशहूर हो जाओगे यार, वीडियो जाओगे दुनिया तड़को आया करेगी, भाजी की करते हो तुम। हाँ जी ये इंतबाह दोगे सही तरह। लो दोस्तों इस तो बाद फिर मेरी बारी जे, मुलान साहब कैसे हैं आप, मजा आ रहा है? क्या हुआ दोस्तों, मालिश करा ली है, बड़ा मज़ेदार काम सी, बड़े अरसे बाद कराया है, वो भी अखलाक के कहने पे। अब घर चलते हैं, वहाँ जा के देखते हैं सोना है के कि बाहर ही चार पाई बाणी है, आ जाओ, बाकी फिर नहीं तो सुबह करांगे इंशाल्लाह।